हमारी जिंदगी तेजी तेजी और तेजी से भरी, हम में जोश है, हम मद होश है, कुछ भी कर जाने का हम में रोश है, छा गए हैं हम, घूम रहे हैं हम, हमसे जीतना है अगर वो ना है सदम, ये हमारी जिंदगी तेजी तेजी और तेजी से भरी, हम में जोश है, हम मद होश है, कुछ भी कर जाने का हम में रोश है, छा गए हैं हम, घूम रहे हैं हम, हमसे जीतना है अगर वो ना है सदम, ये हमारी जिंदगी तेजी तेजी और तेजी से भरी, हम में जोश है, हम मद होश है, कुछ भी कर जाने का हम में रोश है, छा गए हैं हम, घूम रहे हैं हम, हमसे जीतना है अगर वो ना है सदम। वो बैटल होने ही वाली थी। यान हुई समझ गया कि जू झोचान उसे डरा रहा था। अंकल माँ उसे एडवाइस करते हैं कि वो दूसरों पर ध्यान देना बंद करे और अपने आप पर फोकस करे, अपने वीकनेस से लड़े। तैन रोंग अपने सिबलिंग तैन जेन से कॉम्पीट करने के लिए हिचकिचाता है। वो सीक्रेटली अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लेता है। वही जू झोचान अपने अंदर बहुत स्ट्रेंथ इकट्ठा कर लेता है। अब हमें अंदर जाना चाहिए। तुम अजीब से तरीके से बात कर रहे हो। यू इडियट, ये मेरा डिस्गाइज फेस है। हमें कोई मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। वो सही कह रहा है, हमें सक्सीड करना ही है। चलो वो वाला पाथ लेते हैं, उसे पता नहीं चलेगा कि हम उसे फॉलो कर रहे हैं। ओके, चलते हैं। ओह, दर्द हो रहा है, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, अब मैं क्या करूं? यानहुई, बी स्ट्रॉन्ग। क्या तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें डरपोक कहे? नहीं, तुम डरपोक नहीं हो, तुम्हें अंदर से डर नहीं लगता, तुम झू झोचान से डरते नहीं हो। अपने आप को कॉन्कर करो और तुम अल्टीमेट विक्टरी जरूर पाओगे। फ्लेमिंग रेसर, रुको, मेरा इंतजार करो। क्या हो रहा है? मैं क्यों फ्लेमिंग रेसर से कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूं? ये नहीं हो सकता, मुझे शांत रहना चाहिए। फ्लेमिंग रेसर, मैं तुम्हें अकेला ढूंढ लूंगा। हम टीम मेंबर है, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मेरा इंतजार करो। तुम्हें क्या लगता है, हमने डिफरेंट पाथ चूज किया है क्या? हमने केव की सबसे पहले वाली एंट्रेंस ली है। ये सही है, हमने अपने कैप्टन को ब्लेम नहीं करना चाहिए गलत रास्ता चूज करने के लिए। तुम क्या कह रहे हो? शायद मुझे कुछ सुनाई दे रहा है। फ्लेमिंग रे सर, हमने फाइनली उसे ढूंढ लिया। फ्लेमिंग रे सर, ओके, बैटल शुरू करते हैं। मेरी एनर्जी बहुत जल्दी से ड्रैग हो रही है फ्लेमिंग रे सर। यान हुई, तुम्हें अपने आप को कॉन्कर करना होगा। कॉन्कर मायसेल्फ? अगर तुम अपने आप पर भरोसा करोगे तो वो भी तुम पर भरोसा करेगी और तुम्हें एनर्जी देगी। भरोसा,
खुद पर। इसे मुझ में बिलीव करना होगा ताकि सारी एनर्जी मुझे मिल जाए। कॉन्कर माइसेल्फ, कॉन्कर माइसेल्फ, कॉन्कर। ये क्या? तुम हमेशा यही करना चाहते थे। टेक केयर ऑफ इट। फ्लेमिंग रेसर, मैं तुम्हें चूज करता हूँ। मैं हर बार तुम्हारे साथ ही बैटल करूंगा। ये वैसे नहीं हो रहा जैसा हमने सोचा था। हमें पता है बेवकूफ। मैं अंदर देखती हूँ। नहीं, ये सबसे बेस्ट टाइम है हमारे लिए अपना प्लान एग्जीक्यूट करने का। अपने आप को कॉन्कर करने का एक ही तरीका है, अपनी एग्जिस्टेंस को एक्नॉलेज करना। मैं अपनी ये बैटल तुम्हारे साथ ही करूंगा। फ्लेमिंग रेसर, आ जाओ। देखो वहाँ। मैं कहाँ हूँ? ये कौन सी जगह है? हाँ, फ्लेमिंग रेसर, फ्लेमिंग रेसर, तुम कौन हो? मैं यान हुई हूँ। तो मैं कौन हूँ? उठो यान हुई, उठो, हम साथ में बैटल करते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। मुझे तुम्हें हराना है। यानवी के साथ बैटल शुरू करने का टाइम आ गया है। मुझे इसके पार जाना है। मैं इसके पार जाके ही रहूंगा। तुम मुझसे नहीं बच सकते। यानुई, क्या हो गया? वो रेस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा है आखिर? यानुई, यो पॉसिबल है? तुम कैसे बच गए? फ्लेमिंग रेसर, मैं वापस आ गया हूं।
क्या ये फ्लेम्स का सीक्रेट है? ओके, मैं तुम्हें असली फ्लेमिंग स्पेयर दिखाता हूँ। ये फ्लेमिंग रेसर। ये कितना बढ़िया है, ये तो बस शुरुआत है अभी। तुम कौन हो? हम कौन हैं? हम मॉन्स्टर्स हैं। हमें पकड़ सकते हो तो पकड़ो। मैंने अभी रियलाइज किया कि तुम एक डेविल हो, तुम भी हमारी तरह छोटे शैतान हो, हम एक जैसे हैं। बहुत सारी परेशानियों के बाद मैंने अपने डर पर जीत हासिल की है, अब मैं नहीं हारने वाला। आओ मुझे पकड़ो। पकड़ो मुझे। कौन है? पर यहाँ इतने सारे मॉन्स्टर क्यों है? ये किस तरह के मॉन्स्टर है? डैम इट फ्लेमिंग रेसर, चलो इस बैटल को साथ में लड़ते हैं। हे अटैक! क्या तुम सब तैयार हो? हाँ, ये बहुत थकाने वाला है, लेकिन वो अपना सीक्रेट वेपन लॉन्च करने वाला है। अब क्रिटिकल मोमेंट आ गया है दोस्तों। मैं तैयार हूँ। ओके, चलते हैं। मुझे लग रहा है यहाँ कुछ सही नहीं है। तुम कौन हो और ऐसे भूतों की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो? हम तुम्हें यहाँ हराने के लिए आए हैं डरपोक। मुझे हराने? मैं तुम सबको अभी मजा चखाता हूँ। रुको, फ्लेमिंग रेसर। यान हुई, तो तुम वापस आ ही गए। वेलकम। अपना हाथ दो मुझे। मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, लेकिन मैं तुम्हारी एनर्जी को फील कर पा रहा हूँ। मुझे नहीं पता तुम कौन हो। और मुझे नहीं पता कि मैं अभी कहां हूं। मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि तुम्हें सिर्फ इतना ही पता है कि तुम्हारा नाम यान हुई है। क्या तुमने कभी वो कहावत सुनी है, जो आग लगाता है वही जल जाता है, या फिर ये कि जो फ्लेम्स को कंट्रोल करते हैं वो उनमें इतने फंस जाते हैं कि वो अपने आप को बचाना भूल जाते हैं?
वो फ्लेम की पावर में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो इसका मीनिंग भी भूल जाते हैं। एक फ्लेम क्या है? ये एक वेपन है जिसे यूज करके ह्यूमन ने नेचर के अगेंस्ट अपनी बैटल जीती थी। ये एक फ्री स्पिरिट है जो कि हेवन और अर्थ के बीच में एग्जिस्ट करती है। हमारी ही तरह ये अपने आप एग्जिस्ट करती है, इसलिए तुम्हें इस पर पूरा भरोसा करना चाहिए और इसे अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहिए। इसे अपनी व्हील कैरी करने दो और तुम्हें इसके बुरे और अच्छे दिन सारे करने चाहिए, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपनी एग्जिस्टेंस के लिए श्योर होना होगा। फ्लेम का सीक्रेट है अपना सेंस होना। चाहे कुछ भी हो, तुम्हें अपना करेज आगे बढ़ाना होगा और ऑब्स्टेकल को फाइट करते जाना होगा। असली फ्लेम डार्कनेस में तुम्हें रोशनी देगा। मैं अंदर जा रही हूँ। क्या तुम्हें उस पे विश्वास है? मुझे पता है कि तुम वरीड हो, हमें भी उसकी चिंता है। डोंट वरी, मुझे पता है कि वो ठीक होगा। क्यों ना हम लोग अंदर जाकर एक बार देखें? 10 मिनट हो गए हैं, वो हमसे बस 10 स्टेप्स ही दूर है। अब तक उसे बाहर आ जाना चाहिए था। कम ऑन, बकवास बंद करो। कौन बकवास कर रहा है? अब हमें क्या करना चाहिए? अगर उसके साथ कुछ बुरा हो गया तो? कुछ हो रहा है यहाँ पर। चलो बैटल करते हैं मॉन्स्टर्स। चलो शुरू करते हैं बैटल। चलो हम रेडी हैं। ये सब एजेंट का आइडिया था। मेरा नहीं, ये मेरा आइडिया नहीं था। मैरी को तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसलिए उसने हमसे ऐसा कहा था। तुम लोग अपने आप को बॉयज बुलाते हो? तुम्हारे तो गट्स नहीं कि तुम अपनी बात एक्सेप्ट कर सको। ठीक है, ये मेरा आइडिया था। मैंने प्रॉप्स दिए थे। जब तुम यहाँ नहीं थे तो मैंने टीम को डायरेक्ट किया था। मैं इंचार्ज था। एक कैप्टन को कुछ करने की जरूरत नहीं होती, उसके सबऑर्डिनेट सारा काम करते हैं। टेंजियांग को छोड़कर। योनफेंग, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें एक अच्छी थ्रैशिंग दूं? हाँ। नहीं नहीं, आई एम सॉरी, प्लीज छोड़ दो मुझे। नहीं प्लीज प्लीज, मुझे छोड़ दो प्लीज प्लीज। गुड नाइट यानहुई। मिस्टर जिन ने अपनी हिडन माइक्रोचिप को अपडेट कर लिया है। ऐसा करने से डेमोन गॉड रेसिंग टीम की बुलेट रेसर्स की स्पीड और स्ट्राइकिंग फोर्स ट्रेमेंडसली इम्प्रूव हो जाएगा। लैब के स्टाफ ने अपना मिशन पूरा कर लिया है, लेकिन मिस्टर जिन उन्हें इस काम का ग्रेटिट्यूड नहीं देते हैं, इसलिए वो जाने से पहले सारी इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय कर देते हैं। क्या है हिडन माइक्रोचिप के अंदर? बुलेट रेसर में नई माइक्रोचिप लगाने से मेंबर के साथ क्या होगा?
हम तो बस खेल ये खेल है इसका दूजा ना कोई मेल जिसमें दम ना वो होता है तेल खतरों से भरी है हमारी जिंदगी खेलो तो जानो ये खेल है मुश्किल मान कर चलो दम ना ही हम सा कही मुश्किलें आती है पर ना रुकते कहीं आसान बना तेरा है कुछ कर दिखाना है हम तो बस खेल ये खेल है इसका दूजा ना कोई मेल जिसमें दम ना वो होता है फेल खतरों से भरी है हमारी जिंदगी खेलो तो जानो ये खेल है मुश्किल मान कर चलो दम ना ही हम सा कही मुश्किलें आती है पर ना रुकते कही आस